मेरे पापा एक लेबर है। हमारे फैमिली बैकग्राउंड इतनी अच्छी नहीं, हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हेलो, नमस्कार। आप सबका स्वागत है बंडेवार श्री गजानन ट्यूशन क्लासेस में। मैं देवश्री बंडेवार आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई हूँ कि हर बार की तरह इस बार भी नीट और जेई का जो हमारा रिजल्ट है ये बहुत रॉकिंग लगा हुआ है। और इस साल तो भाई कोरोना के पैंडेमिक में एक बात बहुत अच्छी चल रही है कि रिजल्ट जो है ये बैक टू बैक बहुत ही ऑसम रिजल्ट हमें मिल रहे हैं। और उसी तरह जेई और नीट का जो रिजल्ट लगा है उसी से रिलेटेड आज मैं बात करने आई हूँ। मेरे साथ है हमारे जीटीसी के स्टूडेंट भूपेंद्र साहू, और आज मैं उन्हीं से पूछना चाहूँगी, उन्होंने जो रिजल्ट अचीव किया है उसी के बारे में हम सीधा जानेंगे भूपेंद्र साहू से। हेलो भूपेंद्र, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक्स। तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताओ, आपका बैकग्राउंड कैसा था, फैमिली बैकग्राउंड में आपने कैसे क्या स्ट्रगल किया और कैसे यहाँ तक आपने अचीव किया है रिजल्ट को। हेलो, मेरा नाम भूपेंद्र साहू है। मैं कलमना का रहने वाला हूँ। मेरे पापा एक लेबर है। हमारे फैमिली बैकग्राउंड इतनी अच्छी नहीं, हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। 12 के समय मैंने नीट का एग्ज़ाम एक बार दिया, उस समय मैं क्लियर नहीं हो पाया, इसलिए मैं एक बार रिपीट करने का सोचा। फिर बहुत जगह मैंने तलाश किया क्लासेस का, लेकिन हाई फीस के कारण मुझे कहीं क्लासेस मिल नहीं पाया था। उस समय मुझे मेरे रिलेटिव्स ने मुझे गजानन क्लासेस का सजेस्ट किया, तो फिर मैं इस क्लास की तरफ आया और यहीं पे अपनी कोचिंग स्टार्ट की। ओके, भूपेंद्र मुझे ये बताइए, आपके फैमिली में से क्या आप अकेले हो जिन्होंने मेडिसिन को परसीव करना सोचा? हाँ बिल्कुल, मेरे फैमिली में ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन उन्होंने कोई ज़्यादा लोग मेडिकल फील्ड में कोई गए नहीं अभी तक के। मेरे फैमिली में मैं पहला ही हूँ। ओके, तो ये तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा कि आप अकेले बिना किसी सपोर्ट के कि भाई आपको कोई गाइड करे कि हमें मेडिसिन में जाना है। कैसे आपके माइंड में आया कि आपको ये फील्ड में जाना चाहिए और आप ये कर सकते हो? मैंने कई जगह उनकी डॉक्टर से मुझे पहचान थी, उन लोगों से पता किया मैंने कि ये नीट के क्लास में मेडिकल में फील्ड में एंट्री के लिए नीट एग्ज़ाम लगता है। और मेरे मन में पहले से इच्छा थी कि डॉक्टर बनने की, शुरुआत से ही मेरे मन में इच्छा थी। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि आपको जो डॉक्टर्स, आप जब भी किसी डॉक्टर को देखते थे या बैनर्स लगे हुए हैं डॉक्टर्स के या किसी ने क्रैक किया हुआ है, तो आपको वो मोटिवेशंस मिली या कोई और वजह थी जिसकी वजह से आप मोटिवेटेड हुए और आपने नीट के बारे में सोचा? हाँ, मैंने पहले 12 के समय मुझे उतना आइडिया नहीं था इसके बारे में, लेकिन मैंने आगे ऐसे ऐसे कहीं पर बैनर्स में स्कोर्स देखे बच्चों की, जो मेडिकल एंट्री के लिए नीट लगता है, तब मुझे समझा कि ये एग्ज़ाम देना चाहिए। इसलिए मैं पहले से ही, मेरी ख्वाहिश थी मेडिकल फील्ड में एंट्री की, तब मुझे ध्यान आया तो मैंने इस तरफ कदम आगे बढ़ाया। जीटीसी का सपोर्ट क्या रहा आपके जर्नी में? जीटीसी क्लासेस में टीचर्स बहुत, फिजिक्स केमिस्ट्री के बायो के सभी अच्छे थे। और मुझे ज़्यादातर फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होती थी और मुझसे हो नहीं पाता था, तो फिर मैंने क्लासेस लगाने का सोचा। और इस यहाँ पर टीचर से मुझे बहुत सपोर्ट मिला, फिजिक्स केमिस्ट्री का जो अच्छे से कंसेप्ट समझाए, वो कंसेप्ट को मैंने ध्यान किया, रिविज़न किया, इससे मेरा इतना स्कोर बन पाया। ओके भूपेंद्र, प्लीज़ शेयर विद अस योर ओवरऑल एंड सब्जेक्ट वाइज स्कोर्स इन नीट। मेरा ओवरऑल स्कोर आया 529, जिसमें फिजिक्स में मुझे 98 मिले, केमिस्ट्री में 136 और बायो में मुझे 295 मार्क्स मिले। ओके, तो आप ये नीट का प्रिपरेशंस का आपका रूटीन कैसा था? इतने हेक्टिक शेड्यूल में भी आपने इतने अच्छे मार्क्स स्कोर किए, कैसा क्या रूटीन आपने सेट किया था आपका? जैसे कि मैंने इस साल रिपीट करने को तो मेरे पास सिर्फ एक साल का ही समय था। अब इस एक साल में मुझे वो 2 साल का पूरा सिलेबस कवर करना था, इसलिए हम मॉर्निंग और इवनिंग 2 टाइम का क्लास करते थे। इससे मुझे जो क्लास में जो पढ़ाया जाता था, वो पढ़ाने के बाद मैं उसे रिवाइज करता था, उसके टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करता था। घर जाने के बाद 2 टाइम का होता, फिर घर जाने के बाद भी थोड़ा समय देकर यानी कि प्रॉब्लम सॉल्व करता था। इससे मेरी बहुत हेल्प होती थी 2 टाइम में, इसलिए हमारे 2 साल का भी 1 साल में स्कोर करने में सफल रहा मैं। अच्छा, मतलब बाकी स्टूडेंट्स को 2 साल का समय मिल रहा था और आपके पास था 1 साल का समय नीट को कवर करने के लिए, उसकी सारी स्टडी करने के लिए।
तो हाउ डिड यू डिवोट योर टाइम कोचिंग वर्सेस सेल्फ स्टडी? हाँ, क्लासेस जैसे मॉर्निंग में चलती थी, मुझे दोपहर में समय मिलता था, और जैसे शाम को चलते थे, फिर नाइट घर जाने के बाद मुझे रात को समय मिलता था। उस समय मैं पढ़ाई कर, जो पढ़ाया गया उसे रिवाइज करता था, प्रॉब्लम सॉल्व करता था। अब मुझे अपने मन में डेडिकेशन था कि मुझे इस साल करना ही है, इसलिए मैंने सोच लिया कि मेहनत तो करना ही है इस साल, इसलिए उसके पीछे मैं लग गया। पूरे साल में मेहनत कर लेते हैं, आगे जाके फल, मेहनत का फल मिलेगा, मीठा होता है, और ये आपने प्रूव किया। तो सब्जेक्ट वाइज आप कैसा कैसा टाइम देते थे? जैसे आपने बताया कि आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत आपको डिफिकल्ट जाता था, तो आपने बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट्स को डिवाइड कैसे किया? बायो में मुझे सब्जेक्ट पसंद था, उससे वो पहले ही मैंने वो अच्छे से पढ़ रखा था, इसलिए बायो में उतना प्रॉब्लम नहीं होता था। सबसे ज़्यादा टफ फिजिक्स ही लगता था, इसलिए मैं फिजिक्स को ज़्यादा समय लगता था न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। और बात आती है केमिस्ट्री की, उसमें फिजिक्स के इतने न्यूमेरिकल होते नहीं, इसलिए उसके थ्योरी भी और न्यूमेरिकल भी दोनों भी रहते थे, फिर इसलिए ज़्यादा समय फिजिक्स को देता था। फिर बायो के लिए तो अलग समय था ही, क्योंकि 360 मार्क्स 720 में बायो का, इसलिए उसके लिए तो समय था ही। और बाकी दो फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करें तो मैं फिजिक्स को ज़्यादा समय देता था केमिस्ट्री के मुकाबले, इस तरह। ओके, जब आप स्टडी करते थे तो आपके ये एक साल के जर्नी में टफेस्ट पीरियड आपका, टफेस्ट थिंग और इजीएस्ट थिंग कौन सी थी आपके स्टडी से रिलेटेड? स्टडी करते वक्त मुझे कई बार ऐसे पढ़ा हुआ चीज़ कई बार हम ऐसा करते, बहुत दिनों बाद रिवाइज करते हम भूल जाते हैं, या फिर कभी कभार हमारे पेपर्स अच्छे नहीं आते, तो उस समय हमें डिप्रेशन ऐसा आता, उससे ओवरकम करने में बहुत कई बार प्रॉब्लम हुई। और इस समय जब कोरोना पैंडेमिक था, तब तो क्लासेस बंद थी और ऑनलाइन क्लासेस का भी उतना फैसिलिटी मिली नहीं, फिर इसके वजह से प्रॉब्लम हुई। ओके, आपकी हॉबीज क्या है? मुझे स्केचिंग करना बहुत पसंद है। तो आपका पढ़ाई करते कभी आपको ये फील हुआ कि मतलब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और उसके मीनवाइल आप यू जस्ट स्टार्टेड स्केचिंग, ऐसा कुछ करते थे आप, या सिर्फ पढ़ाई, मतलब सिर्फ पढ़ाई क्या था? नहीं, मैं पढ़ते पढ़ते अगर बोल रहा था तो ज़्यादातर मैं स्केच करना मुझे पहले से बहुत पसंद था, इसलिए मैं अलग अलग पर्सन से पर्सनैलिटी उनका स्केच बनाता रहता था, बीच बाच में कुछ कार्टून्स वगैरह, फिर पेंटिंग भी करने लगता था। ओके, मतलब बीच में आप एज अ रिफ्रेशमेंट आप स्केचिंग करते हैं, राइट? ओके, ऐसा कौन सा फैक्टर है जो आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित हुआ? प्रिपरेशन के समय मेरे फैमिली का सपोर्ट था मुझे बिल्कुल। मुझे पढ़ने के समय अगर हमारे हर इलाके का लोकेलिटी उतनी अच्छी नहीं, जहाँ पर लोग समझते नहीं, वो समझदार नहीं, और बहुत ही कई बार आवाज़ कर रहे थे, तो उस समय भी मेरे फैमिली के लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। पढ़ाई के वक्त घर में शांति रखना और समझाना भी लोगों को, मेरी बहुत सपोर्ट करते थे। और मेरे टीचर्स ट्यूशन क्लास के अलावा और भी टीचर्स थे, उन्होंने मेरी मदद की पढ़ाई में, ये मेरे बहुत ही यूज़फुल पॉइंट रहे मेरे लिए। जी, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बट इसके साथ साथ हमारे इंडियन कल्चर के हिसाब से हमारे जो फेस्टिवल्स हैं, जो गेस्ट हैं, इनकी वजह से कभी आपको ट्रबल हुआ कि ठीक है जैसे घर में कभी गेस्ट आते हैं, कभी फेस्टिवल आते हैं, तो हम उसे मना नहीं कर सकते, तो इसमें आपके फैमिली का क्या रोल था? इससे मुझे प्रॉब्लम होता था कि कोई रिलेटिव्स आ गए तब उन्हें तो मना नहीं कर सकते, और हमारा घर भी उतना बड़ा नहीं था कि दो तीन कमरों का ही हमारा घर है, उसमें भी लेट आया था तो प्रॉब्लम होती थी। फिर भी हम थोड़े समझा उन्हें छोटा से कमरे मुझे एडजस्ट, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर रहे थे, और मेरे माता पिता भी थोड़े समझा देते उनको। मतलब इतनी सारे प्रॉब्लम्स के बावजूद आपने इतने अच्छे मार्क्स स्कोर किए, ये वाकई तारीफ़ के काबिल है भूपेंद्र। और मैं चाहूँगी कि हमारी जो नेक्स्ट बैच है, हमारे जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? आप कुछ अच्छा मैसेज उन्हें दीजिए ताकि आपसे इंस्पिरेशंस लेके वो लोग अपनी स्टडी जारी रखें। मेरे हिसाब से स्टूडेंट के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर सोचे तो हमारे सब चीज़ हमारे सोच पर ही डिपेंड है। अगर हम करना चाहें तो हमारे, नहीं करना चाहें दो साल का समय भी कम है, और अगर हम करना चाहें तो एक साल का समय हमारे लिए पूरी तरह कम्फर्टेबल है। हम मन में कॉन्फिडेंस रहे तो हम, अगर निराश है बार बार, अगर कई बार हमें प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसे ओवरकम कैसे करना, अब डिप्रेशन आया था कई बार पेपर अच्छे नहीं आते, तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस रहना चाहिए और मेहनत पूरी करते रहना चाहिए,
मेहनत कभी भी स्टॉप नहीं करना चाहिए। पढ़ाई कई बार कई लोग के बीच में गैप दे देते हैं, फिर किसी प्रॉब्लम की वजह से दूसरे प्रॉब्लम की वजह से पढ़ाई के ऊपर उनका इफेक्ट पड़ता है। तो हमें अब ये बात पर ध्यान देना चाहिए कि चाहे कोई प्रॉब्लम है लेकिन हमें अपने स्टडी से एकदम मुंह नहीं मोड़ लेना चाहिए, दूसरी प्रॉब्लम्स को उसे मिक्स नहीं करना चाहिए और हमेशा आगे बढ़कर मोटिव रहना चाहिए अपने मन में। कभी भी मन में डिप्रेशन आए कुछ है तो उससे ओवरकम लोगों से मिलना चाहिए या किसी मोटिवेटर से बात कर लेना चाहिए, अच्छी बातें देखना चाहिए। बहुत सही बात बोली और बहुत अच्छा एडवाइस आपने हमारे बच्चों को दिया, क्योंकि आज के ड्यूरेशन में बच्चों को छोटी छोटी बात का भी लेकर बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं और अपने आप को वहीं पर रोक देते हैं। तो भूपेंद्र साहू इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल कि जिसने इतने सारी मुश्किलों को लेकर भी इतना अच्छा स्कोरिंग किया और ये वाकई में तारीफ़ काबिल है। वंस अगेन सो बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू भूपेंद्र साहू और इसी तरह आप हमेशा आगे बढ़ते रहे और जल्द से जल्द आप डॉक्टर बन के हमारे सामने आए, यही शुभकामना के साथ मैं अपना यहाँ इंटरव्यू खत्म करती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। एक बात मैम मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 12वीं के बाद मैंने नीट की क्लासेस के लिए सर्चिंग किया तो मुझे अलग अलग इंस्टीट्यूट की तरफ मैंने पता किया तो वहाँ पर फीस स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा है, कई बार 1.5 लाख 2 लाख फीस जो मेरी फैमिली अफोर्ड नहीं कर पाती और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा हूँ। तो मुझे क्लासेस का सर्चिंग करते करते मुझे मेरे अंकल से गजानन क्लासेस के बारे में पता चला, वहाँ की फ़ीस मेरे लिए अफोर्डेबल थी, जहाँ पर मेरा एडमिशन 60,000 में हो गया और मैंने क्लासेस लगाया और अपना गोल मैं अचीव कर पाया इस बार।